तो आपको पता है हम लड़के कितने जो हैं हड़ाराम होते हैं। राणा साहब आपको दिखाऊंगा। बस ठीक है, मैं इधर से इधर को लेके आ रहा हूँ। जिंदगी में कभी भी ऐसा फैसला ना ले जिसपे आपको पछतावा हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो भाई ऐनक ये देखें जरा, आप ग्लासेस देखें, ये बड़े भाई लेके आए नहीं है बल्कि इस कमरे में पड़े थे, ये इस कमरे में, तो यहाँ से उठा के यहाँ से मिले ना। तो खैर अभी आपका भाई एक स्टोरी सुनाने वाला है। कल हम घर बैठे हुए थे तो आपको पता है शादी के दिनों में घर में मेहमान ज़्यादा आने वाले हैं तो घर थोड़ा जगह कम है, तो हमने जो है मोहल्ले वालों से कुछ मशवरा किया। हमारे जो नेबर हैं बड़े अच्छे हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनसे मशवरा किया कि यार आप लोग जो है अपना एक घर दे दें हमें ताकि जो है हमारे कुछ मेहमान यहाँ पे स्टे कर सके। तो हमने उनके साथ मशवरा किया तो उन्होंने चाबी तो कल की दे दी थी, तो मैंने घर बोला कि यार उस घर की सफाई जो है ना मैं करूंगा। तो उन घर वालों ने ना जनाब आज मारी खच, मैंने बज गई खच, आपके भाई की बजी लगी हुई खच जो है ना वो आपके भाई के आगे आगे उन्होंने कहा भी सफाई और तू ही करेगा। तो आपको पता है हम लड़के कितने जो है हड़ाराम होते हैं। राणा साहब आपको दिखाऊंगा, राणा साहब देखें जरा, ये राणा साहब बैठे हैं। राणा साहब सफाई आप कर लेते हैं कभी की आप? कहेंगे हम ऐसे ही कि चौकस कर लेते हैं कि, लेकिन आपको पता है लड़के बहुत हड़राम होते हैं इस मामले में। तो घर वालों ने आज जो डाल के तुसी सफाई करनी है। राणा साहब इधर वाली साइड पे हैं ताकि जो है हम उनको बताएं सफाई में। मेरे साथ गैंग कौन कौन सा है? राणा साहब है, राणा साहब आप जो है मेरी एंट्री, ये राणा साहब ने ना एक नई गाड़ी फरमाइश पे ली है, ठीक है ना, तो इसी पे जो है आज सफाई होगी, इसी पे होगी सारी एंट्री है वो। इसके ऊपर राणा साहब ऐसे पाउंड लगा के ना जो झाड़ू फेरते हैं ना आपको पता चल जाएगा झाड़ू कैसे फेरता है, ठीक है। तो खैर अभी जो है आपको दिखाता हूँ, ये ऐनक उतार के दिखाता हूँ थोड़ी बाद, क्योंकि ऐनक बाद में पहनेंगे। तो ये देखें हमने सफाई करनी है इस हॉल की, ठीक है, यहाँ पे हमारे मेहमान कुछ बैठेंगे, हमने नहीं करनी, मैंने ही करनी है, हमें खच्चा ही मारना है ना, ठीक है। आपका भाई जो है सफाई करेगा सारी, ये हॉल जो है दोपहर उन्होंने साफ तो कर लिया, ये हमारे अले ठीक है, उसके बाद हाल कौन कौन सा आ गया, ये नाना साहब कब ली है? तो खैर यहाँ पे भी एक कमरा है, ठीक है, इसका लाइट शाइट लगा देते हैं यहाँ पे बच्चे भी पढ़ते हैं कुरान पाक पढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम लोग पढ़े तो हम यहाँ पे जो है करेंगे। उसके बाद यहाँ पे किचन है, ठीक है, तो किचन की सफाई तो देख लेंगे घर वाले, लेकिन फिलहाल अभी जो है काम रण सब पर हो जाओ। ये है, ये देखें सारे कपड़े पहन के रेडी, ये देखें ये सोफ़ा पड़ा है, ठीक है। तो खैर अभी आपका भाई जा रहा है घर, जाके कपड़े चेंज करेंगे और कपड़े चेंज करने के बाद अपने असली गैजेट में आकर आपको मिलते हैं। तो दादा भाई सिर्फ फीड करें और कुछ नहीं करें, ठीक है। वेरी डस्टी प्रोग्राम, जो है ना आदत होती है, तो हम जो है हिम्मत खुदा तो नहीं, हिम्मत बंदा मदद खुदा है ना, इधर का बंदा। कमेंट करके ये बताना है कि आप लोगों में से कभी ऐसे किसी ने सफाई की है, इतनी कभी किसी ने जिम्मेदारी भी खाई है, लाजमी बताना। ओ
काफी दूर बिटी हो गई है आज की मत काफी बच गई। खैर सफाई करने के बाद ये सामान जो है वाला इसको उठा के सर वहाँ पे शिफ्ट करते हैं कॉर्नर पे, ये एरिया सारा क्लियर करेंगे। ये हमारी इधर ही रहेगी, दीवार के साथ लग जाएगी, ये ना लेंगे ठीक है। खैर बस सारा सामान बाहर से खाई थी अच्छी खासी, तो देखते हैं। जिंदगी में कभी भी ऐसा फैसला ना ले जिस पे आपको पछतावा हो, सोच समझ के बोले, सोच समझ के फैसले ले। एक फैसला लिया बेटा, लेकिन ये भी है ये कुछ ना कुछ करें ताकि जो है आप भी खुश रहें और घर वाले भी खुश रहें। आप क्या कहते हैं? ऐसे ही हाँ। तो अभी फिलहाल ये कमरे ने बस करवा दी है ठीक है। ये हमारे जिन भाई ने कैमरा की देखी एहसान भाई की, खड़े खड़े मत बन गई, इधर 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 चले अपनी सवारी ले। नेक्स्ट जो है अपने नए ठेके में मिलेंगे ठीक है। आपने भी आना, आप जो है कारोबार शुरू कर दिया हमने, आपने हर कारोबार में हमारा हर ठेके में आपने जो है हिस्सा देना ठीक है, हिस्सा डालना है। तो अभी मिलते हैं फिर घर जाके नहा के मिलते हैं, एंड हो गई।